हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, ठीक। तो देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बगल में एक बेल का आइकन होता है, उसे भी दबाकर रख लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंचाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ लिखा हुआ नोट चाहिए तो आप www.bhargavclass.com पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीजी पुलिस कब तक आएगा या निकल गया है, उसका नोटिफिकेशन बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक नहीं आया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे ही आएगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ लोगों को कि जैसे ही आएगा वैसे ही मैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दे दूंगा आप लोगों को। तो चलिए, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं। तो देखिए, पहला योजना है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहला योजना है मातारी जतन योजना, छत्तीसगढ़ की योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य में लोक सुराज अभियान के अंतर्गत 3 मई 2016 को कोरिया छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को भोजन परोसकर मातारी जतन योजना की शुरुआत की। महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी के केंद्रों में 2.5 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं माताओं को सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो ये इस योजना का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें क्या है मुख्य रूप से कि महिलाओं को कुपोषण से बचाना है और आंगनबाड़ी के 2.5 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस पोस्टर बना हुआ है रमन सिंह के द्वारा, ये जो योजना लगाई गई है इसमें। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि गर्भवती महिलाओं के आहार के लिए राशि प्रतिदिन 7 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दी गई है, ठीक है। और इसका स्लोगन है, छत्तीसगढ़ ने ठाना है कुपोषण मिटाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री अमृत योजना। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट योजना है। योजना की शुरुआत 29 अप्रैल 2016 को सुकमा जिले मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के लगभग 50,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना की सौगात दी गई है। योजना के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन 100 मिलीलीटर मीठा और सुगंधित दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आयु वर्ग के कुछ बच्चों को अपने हाथों से मीठा दूध पिलाकर इस योजना की शुभारंभ की। तो यह है मुख्यमंत्री अमृत योजना। तीसरा योजना देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। देखिए, इस योजना का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या आयु उससे अधिक, उनको उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामदर्शी तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, शासकीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पात्रता दी गई है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो, यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्षम हो, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इस यात्रा का तात्पर्य है कि आपको आपके जीवन काल में एक बार भ्रमण के लिए शासकीय सहायता प्रदान की जाएगी। चौथा योजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, सौर सुजला योजना, ठीक है। तो देखिए, सौर सुजला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2016 को नया रायपुर में शुरू की गई सौर सुलझा योजना छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई व कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 2016 सौर सुलझा योजना को नया रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू की गई एक योजना है। सौर सुलझा योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों और सौर संचालित सिंचाई पंप प्रदान करेगा, ठीक है। किसानों को क्या करेगा, सौर संचालित पंप प्रदान करेंगे जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि व सिंचाई कर सकेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। इस योजना के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर उन्हें सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है, ठीक है। इसके अंतर्गत सौर सुजला योजना के तहत सरकार क्रमशः 3 BHP और 5 BHP क्षमता वाले सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों को किसानों को वितरित करेंगी, ठीक है। पंप 31 मार्च 2019 तक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना के तहत अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 51,000, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 51,000 किसानों को इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, क्रेडा, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ये लागू किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्रेडा, क्रेडा के द्वारा ही ये लागू किया गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, क्रेडा। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। 2016-17 के भीतर लगभग 11,000 सौर पंप राज्य के कई क्षेत्रों में किसानों को वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रमुख योजना के अंतर्गत में रमन पर्यटन योजना, देखिए रमन पर्यटन योजना रमन सिंह के जन्मदिन यानी 15 अक्टूबर 2016 को योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर पर्यटन विभाग ने रमन जन पर्यटन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निवास से हमर राजधानी दर्शन के लिए बस रवाना की गई। बस को पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल और पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए ये इम्पॉर्टेंट योजना है तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रमन पर्यटन योजना जो है इसकी आरंभ तिथि है 15 अक्टूबर 2016, आरंभ स्थान है रायपुर। उद्देश्य है इस योजना का पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना। लक्ष्य है इस योजना का, यह योजना प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर से 30 जनवरी, ये लाइन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह योजना 15 अक्टूबर से 30 जनवरी एवं 1 मई से 30 जून तक चलाई जाएगी। इसके तहत हमर राजधानी दर्शन में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सुबह 9 बजे ₹200 प्रति व्यक्ति शुल्क पर पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, प्रावधान देखिए इसका। इसी तरह प्रत्येक सोमवार को सिरपुर गिरौदपुरी एवं बावनवा पारा अभ्यारण्य ₹700 प्रति व्यक्ति, प्रत्येक मंगलवार को ₹900 शुल्क के साथ चित्रकूट तीरथगढ़ एवं अन्य पर्यटन स्थल, और प्रत्येक शुक्रवार को ₹500 प्रति व्यक्ति शुल्क के साथ ताला मल्हार शिवरी नारायण एवं रतनपुर का भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इस योजना का सारांश है। योजना 15 अक्टूबर 2016 को लागू की गई है। इसके बाद छठवा जो योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, आरंभ तिथि है 13 अगस्त 2016, आरंभ स्थान है राजनांदगांव, ये याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना का आरंभ स्थान है राजनांदगांव। उद्देश्य जो है वो है गरीब परिवारों को घरेलू रसोई गैस कनेक्शन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना। ठीक है, लक्ष्य है, प्रारंभिक लक्ष्य है 25 लाख परिवारों को 2 साल में कनेक्शन दिलवाना। प्रावधान है हितग्राही परिवारों की महिलाओं को ₹200 में गैस कनेक्शन उपलब्ध होगा, जिसमें से ₹170 भी हितग्राही को वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ये योजना कब आरंभ की गई, तो योजना 13 अगस्त 2016, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसके तहत कितने परिवारों को, तो 25 लाख परिवारों को 2 साल में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद सातवां देखते हैं, निरामय योजना, ये दिव्यांगों के लिए योजना है। ठीक है, प्रारंभ इसका किया गया है 15 अक्टूबर 2016 को, वित्तीय सहयोग केंद्र शासन द्वारा इसको सहयोग प्रदान किया गया है। उद्देश्य है दिव्यांगों को ₹1 लाख का बीमा कवर प्रदान कराना। ठीक है, प्रीमियम, जो प्रीमियम हम बीमा भरते हैं वो है ₹250 बीपीएल परिवारों के दिव्यांगों के लिए, और ₹500 है एपीएल परिवारों के दिव्यांगों के लिए। ठीक है, तो ये निरामया योजना है। इसके बाद देखते हैं आठवां योजना है मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्रारंभ इसका 1 अप्रैल 2017 को है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसको आप एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा। प्रधानमंत्री आबादी पट्टा योजना प्रारंभ है 1 अप्रैल 2017, वित्तीय सहयोग केंद्र शासन द्वारा इसको सहयोग दिया गया है। उद्देश्य है आबादी जमीन पर भूखंड धारकों को पट्टा देना। ठीक है, लक्ष्य है, प्रारंभिक लक्ष्य है 45,76,500 परिवारों का, लेकिन वर्तमान अनुमान लगभग 50 लाख परिवारों का है। ठीक है, प्रावधान है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी आबादी जमीन का सर्वेक्षण करने, नए भूखंड अभिलेख तैयार कर भूखंड धारकों को निःशुल्क पट्टा देना। ठीक है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टों का विवरण 1 अप्रैल से शुरू करना प्रस्तावित है, जो 18 माह तक चलेगा। ठीक है, 18 माह तक ये विवरण चलेगा।
तो मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना कब आरंभ किया गया है? तो 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। इसके बाद नवा देखते हैं हम, हमारे छत्तीसगढ़ योजना, तो इसका प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 2016। स्थान है नया रायपुर। उद्देश्य है ग्राम व नगर पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को नया रायपुर का भ्रमण कराना और प्रदेश शासन की योजनाओं व उपलब्धियों से अवगत कराना। तो ये हमारा कुछ योजना है, ठीक है, प्रमुख योजना है। ये पार्ट वन है, समझ लीजिए। इसके बाद एक पार्ट टू आएगा, जिसके अंतर्गत 2017 में जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ की, वो हम कवर करेंगे। तो आज के योजना यानी आज के टॉपिक में इतना ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सजेशन दें, आप अपने कमेंट दें, ठीक है। कमेंट के अंदर आप बताएं कि आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, कितने करंट अफेयर के वीडियो चाहिए, हर सप्ताह वाले करंट अफेयर चाहिए या महीने वाले करंट अफेयर चाहिए या छमाही करंट अफेयर चाहिए छत्तीसगढ़ के। और सीजी पुलिस, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी लोग कह रहे हैं कि निकल चुका है इसका नोटिफिकेशन, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, या सीजी गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएगी उसकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। देखिए, मैं कई लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनाता हूँ। ये सारे वीडियो जितने भी अभी तक हमने बनाए हैं वो सारे कमेंट के आधार पर ही बनाए गए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट के आधार पर। ये योजना के लिए भी कई सारे कमेंट आए थे, इससे पहले करंट अफेयर के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, बजट के सेक्शन के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे। तो इसी प्रकार अपने कमेंट आप कर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं वो वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। मैंने बहुत ही पहले भी कहा कि हमारे पास बहुत कम सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।